और ये बताया था
कदर अलामत, जिस कदर निशानियां रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम महदी के बारे में अपनी अहादीस के अंदर बयान की हैं, उनमें से कोई भी एक निशानी, चाहे वो ज़ुहूर महदी से कबल की निशानी हो या ज़ुहूर महदी के बाद की निशानी हो, उनमें से एक भी निशानी किसी भी नाहिये से मौजूदा दौर के दज्जालों, कज़्ज़ाबों, मक्कारों के ऊपर फिट नहीं आती। और उसी ज़िम्न में मैंने पिछले खुतबे जुमा में ये बात बताई थी कि ज़ुहूर महदी के बाद, इमाम महदी के ज़ुहूर और उनकी बैत खिलाफत के बाद उनकी अलामत और निशानी ये होगी कि वो पूरे अरब के हुक्मरान करार पाएंगे, पूरे जज़ीरतुल अरब के ऊपर उनकी हुक्मरानी होगी और हुक्मरानी का ऐसा दौर होगा कि पूरी उम्मत अमन अमान के अंदर, पूरी उम्मत इस्लामिया और पूरी उम्मत मोहम्मदिया अदल इंसाफ के अंदर होगी, अमन की, चैन की और खुशहाली की जिंदगी गुजार रही होगी। उनके दौरे खिलाफत में, उनके दौरे हुकूमत के अंदर माल और दौलत की फराहानी होगी, गल्ले मेवे फसलें और पैदावार बकसरत होगी और पूरी उम्मत और आम उन्नास खुशहाली की जिंदगी गुजारेगी। और ये दौरे हुकूमत रिवायात और हदीस की रोशनी में मैंने बताया कि तकरीबन 7 साल से लेकर के 9 साल तक उनकी हुकूमत होगी और इस 7 साल या 9 साल के दौरानिया में, इसी दौरान जो इमाम महदी के जमाने में जो वाकयात पेश होंगे, जो वाकयात पेश आएंगे, उनमें से एक सबसे बड़ा वाकया ये होगा कि उनके दौरे हुकूमत के अंदर अल मलहमतुल कुबरा जंग अजीम वाकई होगी, मुसलमानों के दरमियान और रूमियों के दरमियान शाम की सरजमीन के ऊपर मकामे दाविद के ऊपर मुसलमानों और रूमियों, मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान एक अजीम जंग होगी जिसको हदीस में अल मलहमतुल कुबरा जंग अजीम कहा गया है। गर्चे रिवायात और अहादीस सराहत के साथ ये बात बयान नहीं करती कि अल मलहमतुल कुबरा जंग अजीम इमाम महदी के दौर में होगी या किस खलीफे के दौर में होगी, किसी रिवायत में इस बात की सराहत नहीं है, लेकिन अहादीस के सियाक व सबाक से, अहादीस के करायन से और अलामत कयामत की वो निशानियां जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में बयान की हैं, उनको जोड़ने से ये बात वाज़ह हो जाती है कि जो जंग अज़ीम वाक़ होगी वो इमाम महदी के दौर में वाक़ होगी। चुनांचे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के ज़ुहूर से क़ब्ल की जो अलामत आपने हदीसों में बयान की है, उन अलामतों में से आपने चंद अलामतों को बिततीब बयान किया, तरतीब के साथ बयान किया। आपके इस बयान से यह अंदाजा लगता है कि दज्जाल से क़ब्ल की, दज्जाल के ज़ुहूर से उसके खुरूज से क़ब्ल की जो अलामत होंगी, हदीस के सियाक और सबाक से और उसलूबे बयान से यह पता चलता है कि ये सारी निशानियां तसलसल के साथ बिलतरतीब वाक़ होंगी। उठाइए सुनन अबी दाऊद की हदीस, और इस हदीस को मुहद्दिसीन ने हसन दर्जे की हदीस करार दिया है और इस हदीस के रावी हजरत मुआज़ इब्ने जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। हजरत मुआज़ इब्ने जबल फरमाते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो राव बैत मक्दिस खराब यस्रिब व खराब यस्रिब खुरूजुल मलहमा, आपने इरशाद फरमाया बैतुल मक्दिस का आबाद हो जाना मदीने की वीरानी और मदीने की बर्बादी का पेश खैमा होगी। जब बैतुल मक्दिस आबाद हो जाएगा तो बैतुल मक्दिस के आबाद होने की वजह से बहुत सारे लोग मदीने से हिजरत करके बैतुल मक़दिस की सरज़मीन पर चले जाएंगे। इस तरीके से बैतुल मक़दिस आसिमतुल खिलाफत इस्लामिया, खिलाफत इस्लामिया का आसिमा और पाए तख्त करार पाएगी, वहां पर खिलाफत इस्लामिया की राजधानी बनेगी और बहुत सारे
जाएगा वो लश्कर जो जंग-ए-अज़ीम के लिए मुकाबले के लिए रूमियों का मुकाबला
وہ لشکر امام مہدی کے دور میں جائے گا, امام مہدی کے دور میں وہ لشکر بھیجا جائے گا. بہرحال علماء کی تصریحات سے اور روایات کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روایات بیان کی ہیں ان کی زمانی ترتیب سے اور قرائن و سیاق و سباق سے یہی بات پتہ چلتی ہے کہ جنگ عظیم امام مہدی کے دور میں واقع ہوگی. اور اس جنگ عظیم کا پس منظر کیا ہوگا, اس کا پس منظر آخر کیا ہوگا, کیوں یہ جنگ واقع ہوگی؟ امام بخاری نے صحیح بخاری جلد اول کتاب الجزیہ کے اندر حضرت عوف ابن مالک کی ایک روایت ذکر کی ہے, اور یہ روایت میں نے بارہا آپ کے سامنے بیان کی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر بیان کیا ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے اے عوف ابن مالک قیامت سے پہلے پہلے چھ نشانیاں سوار کر کے رکھ لو. اور آپ نے انہی نشانیوں میں سے جو چھٹی نشانی بیان کی تھی وہ فرمایا تھا تمہارے درمیان بنو الاسفر رومیوں کے درمیان عیسائیوں کے درمیان ایک صلح ہوگی, وہ صلح ہوگی اور پھر اس کے بعد فجب درون رومی اور عیسائی دھوکہ دے دیں گے, اس صلح اور اس معاہدے کو توڑ لیں گے. فیاتونکم تحت سمانی نقایا, پھر اس کے بعد وہ 80 جھنڈے لے کر کے آئیں گے, 80 جھنڈے لے کر کے آئیں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوجی ہوں گے, ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 افراد ہوں گے. اس طریقے سے صحیح بخاری کی اس روایت کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اختصار کے ساتھ یہ بیان کی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اور رومیوں کے درمیان ایک صلح ہوگی, پھر اس صلح کے اندر رومی غداری کر بیٹھیں گے, اس معاہدے کو توڑ دیں گے. اور یہی بات امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد کے اندر اور امام احمد بن حنبل نے مسند احمد کے اندر ایک صحابی حضرت ذی مخیر الحبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو ذی مخمر بھی کہا جاتا ہے, یہ نجاشی کے چچا دار بھائی تھے. حضرت ذی مخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے انہوں نے یہ روایت درج کی ہے سنن ابی داؤد کے اندر. اور اس روایت کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل بیان کی ہے اور جنگ عظیم کا پس منظر بیان کیا. آپ نے ارشاد فرمایا سب سو سارے ہو لکھو رسول ہم آمینہ فتنفون انتم وہم عدو من ورائکم, کہا کہ تم اور رومی اور عیسائی مل کر کے صلح کرو گے اور ایسی صلح ہوگی سلحن آمینہ جنگ بندی کی صلح ہوگی, امن کی صلح ہوگی, جنگ بندی کی صلح ہو جائے گی. پھر اس کے بعد تم اور رومی اور عیسائی مل کر کے ایک ایسے دشمن سے مقابلہ کرو گے جو دشمن تمہارے پیچھے کے علاقے کا ہوگا, تم اور عیسائی مل کر کے رومی مل کر کے ایک دشمن سے جہاد کرو گے. اور قرین قیاس بات یہ ہے کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کا دشمن تقریباً یہودی ہی ہوں گے, مسلمانوں اور عیسائیوں کی یہودیوں کے خلاف ایک جنگ ہوگی. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں رسول اکرم فتنصرون وتغلبون وتسلمون وترجعون, پھر تم لوگ اس جنگ کو جیت جاؤ گے, مال غنیمت حاصل کرو گے, صحیح اور سلامتی کے ساتھ تم لوگ واپس آؤ گے, اور واپس آنے کے بعد فتن دلون بمرج ذی طول, پھر تمہارا قیام ہوگا ایک ایسی سرسبز و شاداب زمین کے اوپر جو ٹیلوں والی ہوگی. اور بعض لوگوں نے دیکھا ہے کہ زمین شام کا علاقہ مقام دابق ہوگا, اس مقام دابق کے اوپر مسلمان اور عیسائی اتریں گے فتح کا جشن منانے کے لیے. اسی درمیان روایت کے الفاظ ہیں ایک آدمی ایک عیسائی صلیب کو بلند کرے گا, جو ان کا مذہبی نشان ہوتا ہے کراس کو صلیب کو بلند کرے گا اور کہے گا غلب الصلیب, صلیب کا غلبہ ہو چکا ہے, صلیب کی فتح ہو چکی ہے. حالانکہ مسلمانوں اور عیسائیوں دونوں نے مل کر کے یہ جنگ لڑی تھی اور فتح دونوں کی ہوئی تھی, لیکن وہ عیسائی کہے گا غلب الصلیب, صلیب کا غلبہ ہو چکا ہے, صلیب کی فتح ہو چکی ہے. ایک مسلمان یہ دیکھے گا اسے غصہ ہو جائے گا کہ جنگیں میں ہم نے بھی لڑی ہیں, ہم نے بھی بہادری کا اظہار کیا ہے, ہم نے بھی محنتیں کی ہیں, ہم نے بھی جنگ میں اپنی جان لگا دی تھی, صرف صلیب کا غلبہ ہی کیوں ہوا. فجدقہ, وہ مسلمان اٹھے گا اس صلیب کو توڑ دے گا اور اس آدمی کو قتل کر دے گا, جس کے نتیجے میں فتقدر روم رومی اس معاہدے کو توڑ دیں گے, عیسائی اس معاہدے کو توڑ دیں گے اور
तोड़ने के बाद मुसलमानों से कतार के लिए इकट्ठा होंगे और फिर मुस्तदाहत की रिवायत है वही अल्फाज है जो सही बुखारी की रिवायत में आए थे। फिर रूमी और ईसाई शाम की सरजमीन के ऊपर मकामे ताबिक के ऊपर आएंगे और 80 झंडा लेकर के आएंगे। हर झंडे के नीचे 12,000 अफराद होंगे, 12,000 सिपाही होंगे। इस रिवायत से पता चलता है एक लश्कर जरार होगा, 12,000 सिपाही हर झंडे के नीचे होंगे, 80 झंडे होंगे और आप जोड़ेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा तकरीबन 9,60,000 का लश्कर लेकर के आएंगे। एक लश्कर जरार होगा, 1 मिलियन का लश्कर होगा जिनकी तादाद तकरीबन 9,60,000 तकरीबन 10 लाख के आसपास ईसाई मकामे ताबिक के ऊपर मुसलमानों से किताब के लिए उतरेंगे। और फिर इसके बाद उठाइए सही मुस्लिम किताबुल फितन जिल्द 2 की रिवायत और हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला तकूमु सआ हत्ता तंजिल रूम बिल आराक व बिल बाबिका। कयामत कायम नहीं होगी जब तक कि रूमी और ईसाई मकाम आराक या मकाम ताबिक के ऊपर इस्लाम और अहले इस्लाम के खिलाफ दरपे इस्लाम और अहले इस्लाम के खिलाफ आजमाई के लिए जंग आजमाई के लिए मकाम ताबिक पर जब तक नहीं उतरेंगे और जंग नहीं होगी तब तक कयामत कायम नहीं होगी। फिर उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हदीस के दरवाजे के अल्फाज हैं एक जंग होगी एक अजीम जंग होगी और मुसलमानों में से 1/3 अफराद मुसलमानों में से 1/3 अफराद राह फरार अख्तियार करेंगे। ला यतूबुल्लाहु अलैहिम ऐसे लोगों की तौबा अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला तौबे की तौफीक नहीं देगा। और फिर उसके बाद फरमाते हैं कि 1/3 अफराद मुसलमानों में से शहीद कर दिए जाएंगे और मुसलमानों में से जो 1/3 होंगे उन्हीं के हाथ के ऊपर अल्लाह ताला फतह देगा। और इतनी अजीम जंग होगी इतनी खुरेजी होगी कि सही मुस्लिम ही की एक रिवायत हजरत जुसैर इब्ने जाबिर की हदीस और हदीस के अंदर हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद बयान की है इतनी अजीम जंग होगी कि मुसलमानों और लोगों के की लाशें जमीन के ऊपर दूर दूर तक फैली हुई होंगी और इतनी दूर तक लाशें फैली हुई होंगी कि सही मुस्लिम की रिवायत में आता है इन्ना तायरा लजमरु बिजंबातिही एक परिंदा अगर उनके पास से गुजरना चाहेगा तो इतनी दूर तक लाशें होंगी कि परिंदा उड़ते उड़ते उन लाशों को और उस जंग के मैदान को क्रॉस नहीं कर पाएगा बदबुओं की वजह से फजा की आलूदगियों की वजह से और इतना लंबा लाशों का सिलसिला होगा कि परिंदा जमीन पर थक करके गिर जाएगा और मर जाएगा। इतनी खुरेजी होगी और इस जंग अजीम के अंदर अल्लाह ताला मुसलमानों को फतह देगा। और इस फतह के बाद क्या होगा, इस फतह के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही हदीस जो आपने सुनाई दाऊद हजरत मुआज़ इब्ने जबल की रिवायत के हवाले से मैंने शुरू में बयान किया था। फिर उसके बाद क्या होगा, वह खुरूजुल मलहमा फतहुल उस्तुन दुनिया जब जंग अजीम वाकई होगी मुसलमान इस जंग को जीत लेंगे, इस जंग के बाद मुसलमान उस्तुन दुनिया को उस्तुन दुनिया को फतह करेंगे। ये सारे वाकयात जो मैंने आपके सामने अहदीस की रोशनी में बयान किया है ये सारे वाकयात हजरत इमाम महदी के दौर में और उनके जमाने में वाकई होंगे। जैसा कि रिवायात की ज़मानी तर्तीब भी बताती है, रिवायात का सियाक व सबाब भी बताता है, उलमा की तशरीहात भी यही बात बताती है कि ये जो सारे वाकयात होंगे वो इमाम महदी के दौर में होंगे। और इस तरीके से इमाम महदी के दौर में जो सबसे बड़ा वाकया होगा जो सबसे बड़ी जंग होगी वो जंग होगी अल मरहमतुल कुबरा जंग अजीम होगी और इतनी अजीम जंग होगी कि इतनी खुरेजी होगी कि लाशें लाशों का अंबार लगा होगा। एक परिंदा गुजरना चाहेगा उन लाशों के अंबार से तो बदबुओं की वजह से फजाओं की आलूदगी की बुनियाद पर और एक लंबे सिलसिले के होने की बुनियाद पर वो परिंदा गुजर नहीं पाएगा, जमीन के ऊपर गिर करके मर जाएगा। ये सारे वाकयात इमाम महदी के दौर में होंगे। अब वो लोग जो महदियत का दावा करते हैं जरा उनके ऊपर इन आलामात को फिट करके देख लिए तो ऐसे कोई भी वाकयात ऐसा कोई भी वाकया इस दौर में वाकई नहीं हुआ है।
लिहाजा ये बात बिल्कुल सही और दुरुस्त है कि जो लोग ब्याज महदीयत का दावा करते हैं अपने आप को महदी बावर कराते हैं, अपने आप को मसीह बावर कराते हैं, ऐसे लोग इन रिवायात की रोशनी में झूठे हैं, कज़्ज़ाब हैं, मक्कार हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत दे। वक्त इजाजत नहीं देता, आखिर में बार इलाका से दुआ है कि इलाहदारमीन तू हमें हर किस्म के कज़्ज़ाबों से, मक्कारों से और दज्जालों से महफूज रख। बार इलाहा तू हमें हर किस्म के फितनों से महफूज रख। रब्बुल आलमीन जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम के ऊपर जिंदा रख, जब हमारा खात्मा हो खात्मा बिल खैर हो। आमीन। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله. Allah'a emanet olun.